साउथ के सुपरस्टार विजय, जिनका क्रेज उनके फिल्मों के साथ अब राजनीति में भी दिखाई देने लगा है। विजय ने हाल ही में अपनी पार्टी का ऐलान किया और अब राजनीति में सक्रिय होकर तमिलनाडु में बदलाव का वादा कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं विजय की राजनीतिक यात्रा और उनकी पार्टी तमिलनाडु विथ फ्री कंडगम यानी TVK के एजेंडे के बारे में। 8 महीने पहले विजय ने तमिलनाडु विथ फ्री कंडगम की स्थापना की और इसे TVK के नाम दिया। विजय का कहना है कि उनकी पार्टी का लक्ष्य है समाज में धर्म निरपेक्षता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। एक्टर विजय ने कहा कि हमारी पार्टी TVK का मुख्य उद्देश्य है ऐसी ताकतों को रोकना जो हमारे देश की जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर बांटने की कोशिश करती है। हमारा दूसरा लक्ष्य है भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त लड़ाई। विजय का कहना है कि उनके मार्गदर्शन में वो महान नेता हैं जिन्होंने तमिलनाडु में सामाजिक न्याय की नींव रखी, EVR PR और KE Kamraj। उनकी विचारधारा उन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित है। विजय ने सीधे तौर पर DMK पार्टी और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पर निशाना साधा। उनका कहना है कि DMK एक जन विरोधी सरकार को द्रविड़ मॉडल सरकार के रूप में प्रचारित कर रही है। कुछ लोग राजनीति में आने वाले हर व्यक्ति को एक रंग में रंग रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, वो गुप्त सौदेबाजी करते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। ये द्रविड़ मॉडल नहीं है बल्कि एक जन विरोधी शासन है। वहीं विजय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु के कानून मंत्री SRegupathy ने TVK पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विजय की पार्टी TVK असल में BJP की C टीम है और द्रविड़ मॉडल को चुनौती नहीं दे सकती। हमारे राजनीतिक दुश्मन वो लोग हैं जो तमिलनाडु को द्रविड़ मॉडल के नाम पर लूट रहे हैं, पेरियार और अन्ना के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे प्रदेश को अलग करने की राजनीति कर रहे हैं। द्रविड़म और तमिल राष्ट्रवाद को अलग नहीं मानती। विजय की पार्टी जाति जनगणना आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि TVK ऐसी राजनीति को बढ़ावा देगी जो सबको साथ लेकर चले और समाज में शांति और एकता बनाए रखे। TVK के कार्यक्रम में विजय को तमिलनाडु की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देते हुए तलवार और संविधान, भगवद गीता, कुरान और बाइबल की प्रतियां भेंट की गई। ये विजय की धर्मनिरपेक्ष सोच को दिखाती है जो हर धर्म का सम्मान करती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि तमिलनाडु की जनता विजय के इस नए सफर का कितना समर्थन करती है। क्या विजय अपनी पार्टी के लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।